जैन साहब, आपका राजनीतिक तजुर्बा काफी लंबा है। 2 बार के आप एमपी रहे हैं चंडीगढ़ के। पहला सवाल तो जो अभी हालात बने हैं इस समय, तीसरी बार हालांकि एनडीए सरकार बनाने जा रही है, बीजेपी स्पष्ट बहुमत नहीं है। देखिए, हमें बहुत इस बात का संतोष है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके अंतर्गत हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, वो लगातार तीसरी बार भारत सरकार में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, 96, 98 और 99, और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी 2-4 दिनों में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को पूरा बहुमत प्राप्त हुआ है। आपका जो इशारा है ये ठीक है, जितनी सीटें हम लोग उम्मीद कर रहे थे उतनी नहीं आई, 2-3 राज्यों में हमें उसका थोड़ा सा सेटबैक हुआ है, लेकिन ये भी हकीकत है कि बहुत सारे राज्यों में जहां पहले हम नहीं थे वहां हम आगे बढ़े हैं। पहली बार केरला से हमको सीट आई है, तमिलनाडु से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आई है, शायद कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जहां से अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा में नहीं होंगे। मैंने 2 दिन पहले एक टीवी डिबेट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में भारतीय इस बार बनी है जब हमारे पास लगभग सभी राज्यों के सांसद लोकसभा में होंगे। कुछ राज्यों में सेटबैक हुआ है, अभी पहले सरकार का गठन हो जाए उसके बाद पार्टी का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है आकलन करने का, कहाँ कहाँ कमी रही, क्या क्या कमियां हुई, उसको ढूंढने का, और उसके अनुसार पार्टी का नेतृत्व उस पर विचार करेगा। मैं एक बार जरूर कहना चाहता हूं, कई बार लड़ाइयां जब हम जीत जाते हैं तो कई जनरल घायल भी होते हैं, कईयों को चोट भी आती है। ये जो जनरल घायल हुए हैं, खासकर यूपी को लेकर काफी चर्चा मंथन चल चुका है, भीतरघात एक शब्द है, और सीट बहुत जिस हिसाब से उम्मीद की थी उसे काफी कम आई है। योगी सरकार काफी अच्छा काम कर रही थी लेकिन तमाम अयोध्या तक की, फैजाबाद की सीट चली गई। ऐसा क्या हो गया जैन साहब, आप तो इतने साल हो गए बीजेपी में। देखिए, मैं नहीं मानता भीतरघात वाली बात, भीतरघात की तो इधर वाले कह रहे हैं यहां भीतरघात था, उधर वाले कह रहे हैं उधर भीतरघात था, तो वो भीतरघात की बात नहीं थी, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी लोगों ने मिलकर काम किया। और जहां तक अयोध्या की सीट का ताल्लुक है, आप अगर अयोध्या की सीट का आकलन करें पीछे से, वो सीट हमेशा ही भाजपा की विरोधी की डोमिनेंस में रही है। पहले सीपीएम के लोग भी वहां से जीतते रहे। कुछ हर कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक कंपोजिशन होता है, उस कंपोजिशन के मुताबिक उसका परिणाम निकलता है। तो वो धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी कई बार वहां का कंपोजिशन फर्क होता है। एक बार आपको याद होगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में हरिद्वार से श्री आर के गर्ग, जो सीपीआई के बहुत प्रोमिनेंट नेता थे, वो विधानसभा के लिए चुने गए थे हरिद्वार से। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी किस्म की विचारधारा है जो धर्म पे विश्वास नहीं करती है, इसलिए अयोध्या की सीट हम हारे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या के मामले में जो हमारा योगदान है वो किसी दृष्टि से कम हुआ है। मैंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व अभी सरकार बनने के बाद उन सब पर विचार करेगा, जो जो कारण है उसके बारे में विचार करके जो भी सही कदम है वो उठाए जाएंगे। पंजाब से अमृतपाल खडूर साहब से चुनाव जीत गए हैं, जेल में बंद है अमृतपाल, तकनीकी पहलू भी हैं, केंद्र सरकार कोर्ट में भी अब जब एनएसए को लेकर याचिकाएं आई, अब एक आदमी जेल में बंद है एनएसए के तहत और चुनाव जीत जाता है, अब आगे क्या? देखिए, कानून के अनुसार और भारतीय संविधान के लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जेल से चुनाव लड़ सकता है और चुनाव लड़के वो जीत भी सकता है, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति जेल से चुनाव जीता है। 1977 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, श्री जॉर्ज फर्नांडिस मुजफ्फरपुर में जेल में बिहार में बंद थे और वो जेल से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे। ऐसे ही अभी एक सज्जन जम्मू कश्मीर के भी हैं जो जेल से चुनाव जीते हैं, और मैं समझता हूं कि ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आप जेल में हैं चाहे जेल से बाहर हैं, चुनाव लड़ने की अनुमति भी देता है और अगर लोग चाहें तो लोगों को चुनने की अनुमति भी देता है। ये भारतीय लोकतंत्र की एक विशेषता है, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखता हूं। कानून के अनुसार अब 4 जून को परिणाम आए हैं, इलेक्शन कमीशन पूरे परिणामों की सूची लेकर, 543 के 543 की सूची लेकर जो लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं राष्ट्रपति जी के पास जाएंगे, राष्ट्रपति जी उस पर हस्ताक्षर करेंगे, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद राष्ट्रपति जी लोकसभा का जो संसद है, जो सेशन है, सत्र है, उसको बुलाएंगी। उस सत्र में सबसे पहले शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, और लोकसभा में शपथ ग्रहण स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज भी अल्फाबेटिकली होता है। जैसे शुरू में असम, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश, ए से शुरू होगा। मैं 2 बार एमपी रहा हूं, चंडीगढ़ से 2 बार मैंने शपथ ली है, तो पी थोड़ा नंबर पीछे है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए ए से शुरू होकर आमतौर पे 2 दिन लगते हैं, कई बार 2.5 दिन भी लग जाते हैं।
तो शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद सबसे पहला काम स्पीकर का चुनाव होता है, क्योंकि शपथ ग्रहण कराने के लिए राष्ट्रपति महोदया प्रो टेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे, वो शपथ दिलानेगा उनको आगे। तो शपथ ग्रहण के बाद फिर स्पीकर का चुनाव होगा। जो व्यक्ति जेल में है उस व्यक्ति को अगर शपथ ग्रहण के लिए जाना है तो उसको सबसे पहले अनुमति लेनी होगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से या उस कोर्ट से जिसने उसको नजरबंद किया है। तो एनएसए के तहत क्या कानून कहता है कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद है पंजाब सरकार और तमाम पहलू, उनकी जो अरेस्ट डिटेंशन का ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने पास किया है। जेल में कहां है आप, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने डिटेंशन ऑर्डर पास किया उनके यहां वो अनुमति लेंगे, फिर उसके बाद ओथ लेने जाना है, शपथ लेने जाना है। शपथ जो है वो हाउस में भी हो सकती है, शपथ स्पीकर के चैम्बर में भी हो सकती है। तो पहले अनुमति के लिए वो अप्लाई करेंगे, फिर स्पीकर से कोऑर्डिनेट करके अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुमति देते हैं तो फिर उनको ले जाकर शपथ दिलाई जा सकती है। और अगर स्पीकर चाहें कि इसका कोई और तरीका करना है तो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है, तो उसके बारे में भी वो बात कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इजाजत दे, यानी कि उनके प्रोगेटिव डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो गया, पहले वहां उनको बताना पड़ेगा कि ये सांसद बन गया जी, इनको जाना है। उस व्यक्ति को स्वयं अप्लाई करना होगा कि मुझे अनुमति दी जाए ताकि ओथ लेने में जा सकूं। जैसे संजय सिंह जेल में थे जब वो राज्यसभा के मेंबर बने तो उन्होंने कोर्ट से परमिशन ली। तो सबसे पहले तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि परमिशन देनी है या नहीं देनी है। अगर कोर्ट परमिशन देगी उससे पहले उनको बताना पड़ेगा कि मेरी इतनी तारीख को इतने बजे वहां शपथ होना है, तो उसमें प्रोटेम स्पीकर भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, हो गए। और अगर वो नहीं जा पाते ओथ के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आगे चल के समय होगा जब भी उनको अनुमति मिलेगी तब वो जाकर ओथ ले सकते हैं, स्पीकर के चैम्बर में जाकर भी ओथ ले सकते हैं। तो संविधान की शपथ लेनी होगी और संविधान के खिलाफ ही है क्योंकि अंदर है, ये इसका निर्णय तो वो करेंगे जिन्होंने शपथ लेनी है। वो शपथ जब आप उम्मीदवार बनते हैं तब भी लेनी पड़ती है, तो इसलिए वो शपथ तो वो ले चुके होंगे, बिल्कुल वो तो हर व्यक्ति को लेनी पड़ती है। तो संविधान की शपथ लेनी होगी, संविधान की शपथ जब आप उम्मीदवार बनते हैं तब भी लेते हैं, वो जो अपनी एक प्रेस्क्राइब फॉर्मा है उसके अंदर आप शपथ ले सकते हैं। मैंने दोनों बार पंजाबी में शपथ ली थी। शपथ लेने की सभी भाषाओं में अनुमति है, तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस भाषा में शपथ लेना चाहता है। तो ये इसका निर्णय स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनकी कोऑर्डिनेशन के बाद होगा। अजय साहब, एक लास्ट सवाल ये है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज अमृतपाल के लिए हो जाती हैं, वो मान जाते हैं, शपथ ले ली, उसके बाद वापस जेल जाना पड़ेगा और जो ट्रायल है एनएसए आगे क्या चलता है वो तो चलता रहेगा। देखिए वो कानून के अनुसार चलेगा, और अगर किसी व्यक्ति को चाहे वो जेल से चुनाव लड़ा है या बाहर चुनाव लड़ा है, जेल के बाहर है, अगर कोई भी कोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस में 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा देती है तो जिस समय सजा दी जाती है उसी समय उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अभी राहुल गांधी जी के केस में ऐसे हुआ, उससे पहले राहुल श्री लालू प्रसाद जी यादव के केस में ऐसे हुआ था। पहले प्रावधान ये था कि अगर किसी सांसद को सजा होती है 2 साल या 2 साल से ज्यादा और उसके खिलाफ वो अपील या रिविजन डालता है तो जब तक अपील का फैसला नहीं होगा तब तक उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू करती थी। अब कानून बदल गया है, अब आपको जिस वक्त भी जज ने साइन किए आई कन्विक्ट मिस्टर सो एंड सो फॉर 2 ईयर्स, वो फिल्मों में आता है ना, मैं ताजी रात हिंद की दफा 302 के मातहत आपको सजा देता सजाए फलाना देता हूं, तो जो ही 2 साल से ऊपर की सजा अनाउंस होती है उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो ये तो अमृतपाल पे भी खतरा मंडरा है। सवाल अमृतपाल का नहीं है, सवाल तो एक कानून का है। सवाल आ रहा है ना कि ये एनडीए की सरकार है कि कलेजन की सरकार है, मिलीजुली सरकार है, और अभी मैं मनीष तिवारी से पूछ रहा था, वो कह रहे कि मोदी के डीएनए में मिलीजुली सरकार चलाने का दमखम नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी पहले बहुत लंबे अरसे तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे पहले संगठन में बहुत लंबा काम किया है, कई राज्यों के प्रभारी रहे हैं, स्वयं चंडीगढ़ में थे वो जब मैं दोनों बार लोकसभा में चुनाव जीत कर गया। केंद्र में मिलीजुली सरकार चलाने का उनको सीधा अनुभव भले ही ना हो पर उन जैसा परिपक्व व्यक्तित्व जो आने वाली घटनाओं को पहले से ही सोच लेता है ऐसा व्यक्तित्व है। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, सेवा करेंगे और जो जो वायदे किए हैं पहले से भी ज्यादा तेजी से पूरे करेंगे। दूसरी बात, हमारा जो गठबंधन है वो एक नेचुरल अलाई है जो हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़के आए हैं, हमारे साथ पहले से हैं, आज भी हमारे साथ हैं। जो इंडिया सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है उसके अंदर कहीं कोई मिलकर लड़ रहे थे, कहीं कोई खिलाफ लड़ रहे थे, जैसे वेस्ट बंगाल में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे और इसे बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, वो गठबंधन बहुत देर चलने वाला नजर आता नहीं है। इसलिए मोदी जी पूरा 5 साल का समय पूरा करेंगे और अपने वायदे पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ लागू करेंगे।